वो इतना क्यूट है, वो नंदिनी की जहां बात आती है ना तो वो एकदम पजेसिव हो जाता है। आई नो, बहुत क्यूट है दोनों। और पता है भाभी, उस दिन क्या हुआ? भाभी सब ठीक है? नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली विपुल की मीटिंग थी मुकेश वशिष्ठ के साथ मुंबई में, पर मुकेश भाई तो यहाँ पर है मॉलडीव्स में अपने फैमिली के साथ। दिखाइए। अब भाभी हो सकता है शायद मोटा भाई गलत तारीख पर गए हो। हाँ, मैं पूछ लेती हूँ। हाँ हेलो, यस दिस इज राजवीर रावल। विपुल रावल की मीटिंग थी मुकेश भाई के साथ, आज कितने बजे है बता सकते हैं? ऐसी कोई मीटिंग नहीं है। मीटिंग नहीं है? ओह नो, दैट्स ओके, थैंक यू। कोई मीटिंग नहीं है क्या? मुझे झूठ बोलकर बॉम्बे क्यों गए हैं? क्या हुआ भाभी, मोटा भाई से कुछ बात हुई? कैसे बात होगी, कहकर गए हैं कि मुंबई गए हैं। उनके क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस चेक किए मैंने, होटल लोटस में है वो। क्या? I did not expect this from विपुल। हाय राजवी, कैसी हो? हाँ विपुल, मीटिंग कैसी थी? मीटिंग वाज ऑसम, बहुत अच्छी। बट यू नो ना, मुंबई का ट्रैफिक कैसा है? इतना ट्रैफिक। और कार में तुम भी तो नहीं थी कंपनी देने के लिए? अच्छा, मेरी कंपनी बहुत मिस कर रहे हो भाभी। तुम आओ, मैं वापस फोन करती हूँ। विपुल ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब क्या छुपा रहे हैं? I'm so sorry. आप ठीक है ना? सॉरी, वो मैं जल्दी में था तो। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? वो एक काम था जरूरी। शुभ। हाँ जी, इस रितेश के साथ कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? गड़बड़ क्या? क्या गड़बड़? तू चल। कहाँ गए? कहीं तो जा रहा है पीछे झाड़ियों में, जंगल के अंदर। What? पिछले एक दो दिन से ना ये आदमी मुझे गड़बड़ ही लग रहा है। वरना ये चूड़ियां और मंगलसूत्र लेके कौन आता है जंगल में? पता नहीं क्या करने वाला होगा। दिख रहा है? हाँ, अंदर घुस गया पूरा। चल 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 चल, आराम से, जूतों की आवाज मत करो। कहाँ है वो? दिख ही नहीं रहा। भाई कपड़े रखे हैं डॉक्टर साहब के। कपड़े रखे? मतलब उसने अपने कपड़े उतार दिए? कर क्या रहा है बिना कपड़ों के जंगल में? थैंक गॉड मैं देख नहीं सकता। आई डोंट वांट टू सी ऑल दिस। भाई इधर आओ, पीछे। पर हुआ क्या? इधर आओ, पेड़ के पीछे।
बस। रितेश तो भाई डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा है यार, शादी कर रहा है। क्या किससे? लड़की तो दिख नहीं रही कोई, ये कर क्या रहा है? आगे चलना। आप दोनों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? क्या हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? वो एक्चुअली मैं इससे शादी कर रहा था। किससे? भाई ये डॉग से शादी कर रहा है। What? हाँ वो आपके चेतन चाचू है ना, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी कुंडली में दोष है। एक्चुअली मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसे मैं प्रपोज करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसकी शादी हो गई। अब ये दोष हटाने के लिए ये विवाह करना जरूरी है। क्या तुम डॉक्टर ही हो ना? ऐसे सुपरस्टिशन पे बिलीव कैसे रख सकते हो तुम? अब मैंने सोचा कि अब शुरू कर ही लिया तो खत्म भी कर लेता हूँ। हाँ हाँ प्लीज कैरी ऑन। ओके आई विल कंटिन्यू। अरे ये क्या पहना हुआ है पैर में? ये भी चाचू ने बोला है क्या? अरे ये तो फ्रेंडशिप बैंड है, नंदिनी ने मुझे दिया था। पिछले 20 साल से मैंने इसे उतारा नहीं है। 20 साल से? हाँ। सो आई विल कंटिन्यू। करो करो। ओके कंटिन्यू। ओके दर्श, अपना प्रॉमिस याद है ना? नंदिनी से कुछ नहीं बोलना है। शोभित तुम भी यार प्लीज। यार कसम से यार तुम लोग। डोंट वरी। ओके। अरे आप तीनों साथ में कहां से आ रहे हैं? वो हम रितेश के क्लिनिक गए थे। हाँ सुबीत, रणवीर की ना पिक्चर लगी है पास में, हम चले? हाँ मैंने भी बहुत टाइम से थिएटर में पिक्चर नहीं देखी, मैं और एमजे भी चलेंगे। अब भाभी अगर भाई का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सब लोग चलते हैं ना, रितेश होगा ना हमारे साथ। अरे नहीं नहीं मेरा इतना भी मन नहीं है। अरे झूठ मत बोलो, अभी तो आप इतने एक्साइटेड होके बोल रहे थे मूवी के लिए। अरे मुझे याद आया, मुझे वो इंग्लिश का होमवर्क भी करना है ना, आप लोग जा। नंदिनी प्लीज, अगर तुम नहीं जाओगी ना तो मुझे फिर से ऐसा लगेगा कि मेरी वजह से तुम कॉम्प्रोमाइज कर रही हो। लेकिन एमजे मैं, तुम्हारी मुझसे शादी हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना हर वो शौक छोड़ दो जिसका हिस्सा मैं नहीं बन सकता हूँ। जाओ ना मूवी देखने के लिए और मुझे आके डिटेल में स्टोरी सुनाना। ओके सुबित भाई, सेंटर वाली रो की टिकट कर दीजिए। ये हुई ना बात। गुड। सुबित देखा आपने, आपने कल ही मुझे बताया था कि आपको मूवी देखने का मन है, देखा मैंने कैसे फट से प्लान बना दिया। अरे बुक कर लेता हूँ। अरे वाह 12 बजे का शो है, अब लेट हो जाएंगे, जल्दी निकलते हैं। परफेक्ट, मैं बस 2 मिनट में चेंज करके आया, फिर चलते हैं। ओके Excuse me.
मिस्टर विपुल रावल कौन से रूम में ठहरे हैं? सॉरी, इस नाम का तो कोई नहीं है यहाँ होटल में। वीआर के नाम से चेक कीजिए। भाभी, वीआर? नासली नाम यूज करके रिस्क थोड़ी ना लेंगे। यस मैम, मिस्टर वीआर एक गेस्ट के साथ रूम 603 में है। अच्छा, क्या ये द्वारकाधीश? एक्सक्यूज मी, आप जरा बता सकते हैं कि मिस्टर वीआर किसके साथ रूम में ठहरे? सॉरी मैम, ये हम आपको नहीं बता सकते। क्या ऐसे कैसे आप? थोड़ा सा तो थैंक यू। भाभी, अब हमें पता कैसे चलेगा कि मोटा भाई के साथ रूम में कौन ठहरा है? अभी देखो मैं तुम्हारे मोटा भाई का क्या हल करती हूँ। भाभी, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि मोटा भाई आपको ऐसे धोखा दे सकते हैं। 30th एनिवर्सरी गिफ्ट दे रहे हैं मुझे, पर कुछ और भी दे सकते थे ना। सॉरी भाभी, मोटा भाई गया। राजवी, तुम यहाँ पर कहाँ है वो? I'm really sorry. मोटा भाई, क्या सॉरी? शादी के इतने सालों बाद आप भाभी को ऐसे धोखा कैसे दे सकते हो? मुझे एक्सप्लेन तो करने दो यार, प्लीज। कहाँ है वो? कहाँ है मोटा भाई, बताओ। औरत? वही औरत जिसके साथ तुमने चेक इन किया है। पर कौन सी औरत? चेतन, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? राजवी, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हमने होटल में इसलिए चेक इन किया था क्योंकि आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है यार, और हम लोग शांति से देखना चाहते थे। रूम में टीवी की वॉल्यूम तेज करता तो तुम्हें इरिटेशन होता है ना, तो इसलिए मैंने चेतन को भी बुला लिया यहाँ पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।